की हथकड़ियाँ ओडिन के बेटे के सामने कुछ भी नहीं है। अपने डैड की बात करा या नहीं, ये सच में गुस्से में है। और नहीं, सब लोग ठीक तो हैं? हाँ, टोनी की अनब्रेकेबल शील्ड से तो सब बेहतर ही है। थॉर, कैप्टन ने तुम्हें कहा था कि और हमने हाथ पर काबू रखा स्टार। थॉर ने हल्क को गुस्सा दिलाया। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपनी हद में रहो। हल्क समझता हद को। ए, मैं उसे पोस्ट करने वाला था। सॉरी। थॉर, हल्क मारेगा। तुम्हारे पैरों से हमें बदबू आ रही है। इस पागलपन का क्या मतलब है? पकड़े गए। पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हें हमारे साथ एस्गार्ड वापस चलना होगा हमेशा के लिए। वापस चलना होगा? नामुमकिन। हम तुम्हें भी थॉर को अपने पिता से झगड़ते देख अच्छा नहीं लगता, पर उससे ज्यादा दुख मुझे थॉर को यहाँ से जाते हुए देखकर होगा। हम अपने सबसे बड़े हिटर को खो नहीं सकते, हमारे सबसे शानदार हिटर्स में से। खोलो इसे। और हो गया। हम आपकी बात की कद्र करते हैं पिताजी, पर हमारी जगह बात हमने ऐसे ही नहीं की है। पृथ्वी पर तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। खत्म? अगर आपको ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर खतरे नहीं हैं तो एस्गार्ड पर खतरों की कमी नहीं है, और तुम्हारा जन्म एस्गार्ड में हुआ था। तुमने अपने देश के बजाय पृथ्वी को क्यों चुना? ये सब एक से बढ़कर एक योद्धा हैं। आज तक हमने इतने जाबाज योद्धा नहीं देखे। तुम गलत समझ रहे हो हल्क, मैंने बस पॉपकॉर्न खा रहा था। सच में जाबाज है। आप ऑडिन है ना? टोनी स्टार्क, मिलकर खुशी हुई। हमसे इस तरह बात करने वाले तुम कौन हो? दुनिया का सबसे एलिजिबल बैचलर और करोड़पति जीनियस। ओह नो। ज्यादातर लोग ये सुनकर इंप्रेस हो जाते हैं। थॉर ठीक कह रहा है, हमें इसकी यहाँ जरूरत है। ये हमारी टीम के लिए अहम है। इसीलिए तुमने उसे हथकड़ियाँ पहनाई हैं? ये तो मेरा छोटा सा आविष्कार है, फ्लक्स गेन की हथकड़ियाँ। इस पर सख्ती मत दिखाइए ऑडिन सर, अंतरिक्ष में कोई भी इन बेड़ियों को तोड़ नहीं सकता। कोई नहीं? या मैं गलत हो सकता हूँ, और 2 महीने की मेहनत अभी अभी पानी में मिल चुकी है। पिताजी, हमारी बात सुनिए। पृथ्वी, हमारे मामलों में पृथ्वी कोई मायने नहीं रखती। अगर उनका सबसे ताकतवर योद्धा मिडगार्ड सर्पेंट या डिस्ट्रॉयर का सामना नहीं कर सकता, तो उसका खत्म होना ही बेहतर होगा। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। क्यों, ये तुमने क्या कर दिया? तुम होश में रहो। हाँ, कम से कम मेरे पास अपनी शील्ड की नौकरी तो है। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। हम ओडिन के बेटे हैं, वो हमारे पिता हैं। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। खतरनाक राक्षस सटर का सामना करने के बाद किसी को हमें इस तरह मारने की हिम्मत नहीं हुई है। हमने तुम्हें गलत समझा। लगता है हमें ठीक से पहचान करनी चाहिए। हम महान ओडिन हैं, बोर के बेटे।